गाइज आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में काफ़ी कम समय बचा है और दोस्तों आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन से पहले 11 फरवरी को आईपीएल 2021 की ट्रेड विंडो भी क्लोज हो जाने वाली है। वहीं पर दोस्तों पिछले कुछ दिनों से राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से। वैसे ही दोस्तों आज भी दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से। उन्हीं दो बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिसमें दोस्तों डेविड मिलर की ट्रेड को लेकर बड़ी खबर है और यशस्वी जायसवाल को लेकर बड़ी खबर है। इन दोनों ही खबरों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज़ मिल रहेगी और गाइस जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो गाइस बात करते हैं हम सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में। तो ये खबर निकल कर आ रही है दोस्तों डेविड मिलर की ट्रेड को लेकर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछले कई दिनों पहले डेविड मिलर की ट्रेड को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें अपडेट्स निकल कर आ रही थी, जहां पर दोस्तों कई टीमों ने डेविड मिलर को कांटेक्ट किया था। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ भी कई टीमें बनी हुई थी डेविड मिलर की ट्रेड को लेकर। वहां पर दोस्तों सबसे पहला नाम आया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। आरसीबी की टीम डेविड मिलर को ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों आरआर की टीम ने अभी तक ऐसी कोई ट्रेड नहीं की है, जबकि रॉबिन उथप्पा की ट्रेड आरआर की टीम कर चुकी है। अब दोस्तों देखने लायक बात रही, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2021 की ट्रेड विंडो 11 फरवरी को बंद हो जाने वाली है, क्लोज हो जाएगी। तो उससे पहले आप देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम डेविड मिलर को ट्रेड करती है या नहीं करती है। जबकि डेविड मिलर का हम परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आईपीएल 2020 में सिर्फ एक मैच खेले थे, उस मैच में भी इनको एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला था, सिर्फ एक मैच खेले थे। और पिछले कई सीजन से ये आईपीएल में ऐसे फॉर्म में नहीं ले गए हैं, जबकि इनको पिछले कुछ सीजन से टीम की प्लेइंग 11 में जगह इनकी नहीं बन पा रही, इनको मौके नहीं दिए जा रहे हैं। डेविड मिलर की बात की जाए तो नाम बहुत बड़ा, आईपीएल में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रखा है, काफ़ी सक्सेसफुल क्रिकेटर रह चुके हैं, आईपीएल में इनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है, साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन इनके जो पिछले कुछ सीजन्स रहे हैं, पिछले कुछ इनके साल देखें तो हमें डेविड मिलर इतनी बड़ी फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। अब देखने लायक बात रहेगी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम क्या 11 फरवरी को डेविड मिलर की ट्रेड करती है या नहीं करती है। अब गाइस बात करते हैं हम अगली खबर के बारे में। तो ये खबर निकल कर आ रही है दोस्तों यशस्वी जायसवाल को लेकर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे यशस्वी जायसवाल, काफ़ी ज़्यादा इनसे उम्मीदें लगाई गई थी आईपीएल 2020 में कि ये बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको काफ़ी ज़्यादा कम मौके दिए थे, इनको सिर्फ 3-4 मैचेस में ही खिलाया गया था और बाकी सारे मैचेस में ये बेंच पर ही बैठे रह गए थे। जबकि यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही तगड़ा आया है। बात की जाए इनके रिसेंटली फॉर्म की तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है विजय हजारे ट्रॉफी भी शुरू होने वाली है और उसके प्रैक्टिस मैच में यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी बढ़िया एक शतक मार दिया है, काफ़ी बढ़िया इन्होंने बल्लेबाजी की थी और काफ़ी तगड़े फॉर्म में लगे हैं। यशस्वी जायसवाल की बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी बढ़िया लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। पिछला इनका हम साल देखें तो काफ़ी अच्छा रहा था। आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको इतने ज़्यादा मौके नहीं दिए थे, इसी वजह से ये इतना सा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। आईपीएल 2021 में अगर आरआर की टीम इनको अच्छे खासे ओपनिंग में मौके देती है तो यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इनके पास एक बहुत ही बढ़िया क्षमता है, काफ़ी अच्छे ये खिलाड़ी है, काफ़ी युवा खिलाड़ी है। अब देखने लायक बात रहेगी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2021 में यशस्वी जायसवाल को कितने मैचेस में मौके देती है और इनको ओपनिंग में कितने चांसेस देती है, अब देखने लायक बात रहेगी। तो गाइस ये दो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी यशस्वी जायसवाल को लेकर, वहीं डेविड मिलर की ट्रेड को लेकर भी बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी। तो दोनों ही खबरों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो गाइस आपके मुताबिक राजस्थान रॉयल्स की टीम को यशस्वी जायसवाल को एज अ ओपनर के तौर पर खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वहीं पर गाइस राजस्थान रॉयल्स की टीम को आईपीएल 2021 की ट्रेड विंडो क्लोज होने से पहले डेविड मिलर को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वहीं पर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।